please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के वाराणसी में पीले रंग की टोपी पहने लोगों की भीड़ एक रैली में जय सुहेलदेव के नारे लगाती नजर आई। ये रैली यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की थी, जिसमें बागी तेवर दिखाते हुए उन्होंने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन योगी सरकार पर निशाना साधने से पहले राजभर के समर्थकों ने खूब नारेबाजी की। इसके बाद मंच से बोलते हुए ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगा दिया। जो पिछली सरकार में 500 रुपया खाने पर लेते थे घूस, ये सरकार में 5000 हो गया। राजभर ने ये भी आरोप लगाया कि योगी सरकार की नीतियों की आलोचना करने पर उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करने की धमकी दी जाती है। धमकी देते हैं लोग, किस सरकार से निकलवा दूंगा। अरे धमकी देने वाले लोगों, तेरी का औकात अंगद की तरफ पैर जमाया हूँ, तेरी औकात रहेगी जो पर हटा दे। योगी के खिलाफ बगावत पर उतारू ओम प्रकाश राजभर ने दलितों के हक के लिए किसी भी ताकत से लड़ने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बुर्का पहने एक महिला अपने पूरे परिवार के साथ जमीन पर बैठकर इंसाफ की गुहार लगाती नजर आई। महिला का आरोप है कि पंचायत की दखल के बाद रेप के आरोपी के साथ उसकी शादी हुई, लेकिन अब उसने उसको 3 तलाक दे दिया, जिससे दुखी इस महिला ने प्रशासन और सरकार से इंसाफ दिलाने की मांग की। महिला का आरोप है कि शादी के बाद उसके पति ने उसे बहुत प्रताड़ित किया और फिर डरा धमकाकर 3 तलाक दे दिया। कंधे पे पिस्टल रखी और हमें दोष दबा दिए, बहुत ही तरीके से डराया धमकाया, जबरदस्ती से अंगूठे लेकर वहाँ पर हमसे तलाक करवा दिया 3 बार। महिला के परिवार का आरोप है कि इसका गैंगरेप होने के बाद पंचायत ने दबाव डलवा कर आरोपी के साथ उसकी शादी करवा दी थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में महिला की शिकायत दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि पीड़ित परिवार ने इस मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में पुलिस वाले 3 आरोपियों को अपने साथ ले जाते नजर आए। पुलिस के हत्थे चढ़े इन आरोपियों पर फर्जी लूट के ड्रामे के साथ आरोप देने का आरोप है और पुलिस का दावा है कि पूछताछ में अली मोहम्मद नाम के आरोपी कारोबारी ने कबूला कि उधार न चुकाने के लिए उसने फर्जी लूट का ड्रामा रचा था। इतना ही नहीं, आरोपी ने फर्जी लूट की साजिश को अंजाम देने के लिए पैसों का लालच देकर 3 लोगों को अपने साथ शामिल भी किया। वो मुझसे पैसे नहीं मांगेगा। पुलिस के मुताबिक अली मोहम्मद को लगभग 6 लाख रुपए मोबीन नाम के आदमी को देने थे और अली इन रुपयों को नहीं देना चाहता था और उधार की रकम ना देने से बचने के लिए उस पर ये साजिश रचने का आरोप लगा। पुलिस से पूछताछ में आरोपियों ने यह भी कबूला कि फर्जी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने पूरी योजना बनाई और मोबीन को पैसे लेने घर पर बुलाया। पुलिस के मुताबिक जब मोबीन पैसे लेने पहुंचा तो अली ने उसके हाथ में रुपए से भरा बैग दे दिया। फिर थोड़ी ही देर में वहां छिपे अली के 2 साथी पैसों से भरा बैग लेकर भाग निकले और उसमें एक अली को घसीटते हुए नीचे ले गया। उसके बाद में उन्होंने गोली लगवा के और हमें भेज दिया। आरोप है कि अली ने अपने दोस्त की मदद से कंधे में इस तरह से गोली मारी कि उसे ज्यादा नुकसान ना हो और गोली शरीर को छूकर निकल जाए। फिर अली ने पुलिस को लूट की जानकारी दी। फिर उसे पता चले कि गोली लग गया तो मैं वहाँ से डर के भाग गया। घटना की खबर मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन जांच करने पर उसे कुछ शक हुआ। फिर आरोपियों से पूछताछ में पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यात्रियों से भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में बस में सवार कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही यहां हड़कंप मच गया। मौके पर पहले पहुंची पुलिस की टीम, जिसके बाद घायलों को बस से निकाला गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना वाराणसी बाबतपुर मंगारी मार्ग के पास हुई और हादसे के वक्त बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। यूपी के गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या के विरोध में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। आरोप है कि यहां जमीन के विवाद में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने व्यापारी के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग नहीं माने। पीड़ित परिवार के मुताबिक मारे गए व्यापारी ने गोरखपुर के नए बाजार चौराहे पर एक जमीन खरीदी थी, जहां 1 फीट जमीन के टुकड़े को लेकर उनका पड़ोस के व्यापारी से विवाद हो गया।
जिस पर पंचायत भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसके बाद दिनेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार ने हत्या का आरोप नई बाजार के एक व्यापारी पर लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो की तलाश कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए समन मिला है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में एक बार फिर कार्ति चिदंबरम को 2 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने का समन भेजा। एनजीटी ने यूपी के संभल में 100 गांवों के दूषित पानी के मामले में राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को साफ पानी मुहैया करवाने का आदेश दिया। यूपी सरकार ने इलाहाबाद में आयोजित माघ मेले में अगले साल होने वाले कुंभ मेले का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, जिसके तहत एक टैगलाइन दी गई, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने मालेगांव धमाके के आरोपी कर्नल पुरोहित की यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस खत्म करने वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और एनआईए को नोटिस भेजा। गुजरात के अमरेली में पुतला दहन मामले में कांग्रेस नेता परेश धानाड़ी और विधायक वीरजी ठुमर ने गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद कोर्ट के सामने हाजिरी दी। टीडीपी के एनडीए से अलग होने के संकेत को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर तंज कसते हुए राज्यों में गठबंधन कर सरकार बनाने और उसके बाद साथी दलों के ही पर कतरने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के देहरादून में जेल में बंद एक बदमाश पर रुड़की के एक व्यापारी से 50 लाख की अवैध वसूली मांगने का आरोप लगा। यूपी के मेरठ में एक कारोबारी पर उधार के पैसे चुकाने से बचने के लिए अपने दो साथियों के साथ मिलकर खुद से फर्जी लूटपाट की साजिश रचने और गोली मारकर घायल करने का आरोप लगा। यूपी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड से लोगों का बुरा हाल है। न्यूजीलैंड में खेले जा रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की मंगलवार को पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में खेले गए पांचवें और आखिरी वनडे में इंग्लैंड ने मेजबान टीम को 12 रन से हराकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। दिल्ली में फिरोजशाह रोड पर काले रंग की एक कार बीच सड़क पर पलटी दिखी। बताया जा रहा है कि कार चलाने वाला आदमी मोबाइल पर बात कर रहा था, जिसकी वजह से काले रंग की स्कोडा कार डिवाइडर से टकराते हुए तकरीबन 30 से 40 मीटर दूर जाकर गिरी। इसके बाद आसपास के लोग यहां पहुंचे और कार सवार लड़के और लड़की को बाहर निकाला। चश्मदीदों के मुताबिक कार जनपद की तरफ से आईटीओ की ओर जा रही थी और ड्राइवर मोबाइल पर बात कर रहा था, तभी कार फिरोजशाह रोड पर मौजूद डिवाइडर से टकरा गई। कार में 2 लोग सवार थे जो कार में मौजूद एयर बैग की वजह से बाल बाल बच गए। कॉल फोन आ गया, फोन आने से कंडीशन डाइवर्ट हुआ, डाइवर्ट होकर उस पर लग गया, कर्व पर लग गया, उल्टी हो गई गाड़ी। इस मामले में कार चला रहे शख्स पर नशे में ड्राइविंग का भी आरोप लगा है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। श्रीनगर के जबर वन में कुछ लोग लाठियों की मदद से जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते दिखाई दे। यहां जंगल का एक बड़ा हिस्सा भीषण आग की चपेट में आ गया, जिसे एसडीआरएफ और वन विभाग की टीम बुझाने में जुट गई। इस दौरान कुछ लोग आग पर लाठी पीटकर उसे बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लगातार फैलती आग और धुएं की वजह से आग पर काबू पाने में काफी मुश्किल हुई। पहाड़ पर जंगलों में भड़की ये आग रात के वक्त लगी। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे फॉरेस्ट को बचाया जा सके। बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर इस साल बर्फबारी और बारिश के कम होने की वजह से जंगलों में बार बार आग लग रही है। जो लोग यहाँ पे आते हैं इन फॉरेस्ट में, या तो वो कोयले बनाने के लिए आते हैं और आग जो लगती है उन्हीं की वजह से लगती है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि अगर आग बुझाने के आधुनिक उपकरण मौजूद होते तो नुकसान को कम किया जा सकता था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने राजनीति में साजिश और चापलूसी के दौर का दावा करते हुए खुद की तुलना जंगल के मोगली से कर दी। ना तो मुझे साजिश करनी आती है, ना मुझे चापलूसी करनी आती है। आज की राजनीति में साजिश और चापलूसी का खेल हो गया है। तो मोगली को अगर आप मुख्यमंत्री बना दोगे तो वो क्या करेगा, वो मैं कर रही थी। अगर आप मोगली को मंत्री बना दोगे तो वो क्या करेगा, वो मैं कर रही थी। गुजरात के वडोदरा में एक पुलिस स्टेशन के अंदर दो महिलाएं और आदमी चेहरा ढके पुलिस की गिरफ्त में खड़े दिखाई दिए। पुलिस की गिरफ्त में आए ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं और आरोप है कि ये तीनों उत्तर प्रदेश से ड्रग्स की तस्करी कर उसे वडोदरा में बेचा करते थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आई महिला नैना पाठक अपने बेटे समर्थ पाठक और बहू मोनाली पाठक के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देती थी। गिरफ्त में आरोपियों से पुलिस ने 720 इंजेक्शन, 3 मोबाइल फोन, 1 कार और करीब 8 लाख की ड्रग्स की खेप बरामद की है। आरोप ये भी है कि तीनों उत्तर प्रदेश से बहुत कम कीमतों पर ड्रग्स के इंजेक्शन खरीदते थे और वडोदरा में महंगी कीमतों में उनको बेच दिया करते थे। हरियाणा में पंचकुला हिंसा मामले में पुलिस की एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में गुरमीत राम रहीम के खास राजदार कृष्ण सेठी इंसा को सिरसा से गिरफ्तार किया है। कृष्ण सेठी पर
राम रहीम को रेप का दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकुला में हुई आगजनी और तोड़फोड़ की साजिश में शामिल होने का आरोप है। कृष्ण सेठी सिरसा डेरे में सड़क सुरक्षा अधिकारी बताया जा रहा है, जिस पर गुरमीत राम रहीम के काफिले को संभालने की जिम्मेदारी थी और इसके साथ ही काफिले के रूट में किस गार्ड की ड्यूटी कहां लगानी है ये भी कृष्ण सेठी ही तय करता था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सैकड़ों लोग एक पुल के ऊपर दौड़ते दिखे। इस पुल से सुबह के वक्त एक बस रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिर गई, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने प्रशासन पर देर से राहत और बचाव का काम शुरू करने का आरोप लगाते हुए पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी और जमकर तोड़फोड़ की। हंगामा भड़कने के बाद DMSP समेत तमाम अफसर यहां पहुंचे और लोगों को शांत कराने लगे। ये बस हादसा मुर्शिदाबाद के दौलताबाद में हुआ। हादसे की वजह घने कोहरे और ड्राइवर की लापरवाही को बताया जा रहा है। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने छोटी नावों से खुद ही बचाव कार्य शुरू किया और 13 लोगों को नदी से निकाला। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने BJP और RSS पर हमला बोला, लेकिन उनके बयान ने फिर से राम मंदिर मुद्दे को हवा दे दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद राणा ने एक छात्र के भारत विरोधी बयान का समर्थन किया और मुद्दे पर सफाई देते हुए खुद को भी सही बताया। और दिल्ली विधानसभा में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने के मुद्दे पर BJP ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू की। महाराष्ट्र के धुले में हाईवे पर कुछ लोग बैठकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। ये लोग धुले के ही एक बुजुर्ग किसान धर्मा पाटिल की खुदकुशी से नाराज हैं, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। जबकि 84 साल के किसान की मौत के बाद गुस्साए लोग हाईवे जाम करने पहुंच गए। महाराष्ट्र के धुले के रहने वाले धर्मा पाटिल ने 22 जनवरी को मुंबई में सचिवालय के सामने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद बीती रात JJ अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मेरे पापा के मौत को जिम्मेदार एक गवर्नमेंट के जो कर्मचारी और गवर्नमेंट ही है। दावा है कि बुजुर्ग किसान ने अपनी जमीन के अधिग्रहण के बदले पूरा मुआवजा नहीं मिलने से नाराज होकर खुदकुशी कर ली। परिवार का ये भी आरोप है कि सरकार ने उनसे सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 5 एकड़ जमीन ली थी, जिसके एवज में किसान को सिर्फ 4 लाख रुपए ही दिए गए। इसके बाद धर्मा पाटिल जमीन के मुआवजे की शिकायत दर्ज कराने के लिए पिछले 3 महीने से सचिवालय के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन आरोप है कि किसी ने उनकी शिकायत नहीं सुनी, जिसके बाद उन्होंने मौत को गले लगा लिया। लिहाजा किसान की खुदकुशी के बाद NCP और कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धर्मा पाटिल की आत्महत्या नहीं, ये हत्या है और उसके जिम्मेदार मंत्री जयप्रकाश रावल है। धर्मा पाटिल की हत्या हुई है, ऐसा मेरा कहना है। तो शिवसेना ने भी फडणवीस सरकार पर हमला बोला। धर्मा पाटिल अपने न्यायिक हक के लिए जूझते रहे, न्याय नहीं मिला। सियासी हंगामे के दरमियान मृतक किसान धर्मा पाटिल के घर में मातम पसरा है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। किसान की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार की नींद टूटी। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मृतक किसान के परिवार की सभी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया। प्रशासन पूरी तरह से दोनों आक्षेप पे काम कर रही है और मंगलवार को कल तक उसका रिपोर्ट आने वाला है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ उनको कि आप इसमें चिंता मत करिए, सरकार उनके साथ है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर हाईवे के पास रात के अंधेरे में 2 पुलिस वाले PCR वैन के अंदर शराब पीते दिखाई दिए। आरोप है कि उस वक्त दोनों ड्यूटी पर थे। तो एक के बाद एक जाम छलकाते दिखे। मौके पर जब न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची, तब भी ये पुलिस वाले नहीं रुके, उल्टा मीडिया को ही धमकाने लगे। क्या बात समझे, आज तो उसमें शराब पी रहे हुए गाड़ी में ही। तुम ले ले। डरना काई का भी, SSP का भी है। हालांकि PCR वैन में शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद बुलंदशहर के SSP ने दोनों आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। यूपी के कासगंज में हुई हिंसा के आरोप में पकड़े गए कई लोगों को पुलिस एक वैन में बैठाने लगी। पुलिस की इस कार्रवाई के बीच कासगंज हिंसा को लेकर सियासत भी जोरों पर है। हालांकि सियासत के बीच पुलिस ने हिंसा में शामिल कई आरोपियों को पकड़ा और उन्हें जेल भेज दिया। अभी तक 31 लोगों को जेल भेजा गया है और जो कि हत्या और बलवा की विभिन्न धाराओं में उनको जेल भेजा गया है। कासगंज हिंसा के बाद से पुलिस बेहद चौकस है, लेकिन इस घटना को लेकर योगी सरकार विरोधियों के निशाने पर है। कठोरता से कार्रवाई की होती तो फिर ये स्थिति सामने सामान्य होने में आसानी होती। प्रधानमंत्री जी को सोचना होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ सक्षम है। कासगंज हिंसा को लेकर योगी सरकार शुरू से ही पैनी नजर बनाए हुए है
और हालात ना बिगड़े इसके लिए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दे रखे हैं। यूपी सरकार कासगंज में हालात बेहतर होने का दावा कर रही है और सरकार को घेरने वाले विरोधियों की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रही है। एक उंगली उठाओगे तो दो उंगली आपकी तरफ जरूर दिखती है। सूबे के राज्यपाल राम नाईक ने भी कासगंज हिंसा की निंदा करते हुए इसे राज्य के माथे पर कलंक बताया है। जो घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश के लिए एक कलंक के रूप में हुई है। 26 जनवरी के दिन कासगंज में दो पक्षों के बीच हिंसा हुई थी जिसमें कई लोग घायल हो गए थे, जबकि चंदन नाम का एक युवक मारा गया, जिसके बाद पीड़ित को मुआवजा देने को लेकर सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर हमला बोला और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कासगंज की हिंसा दुखद, मृत युवक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा एवं घायलों के उपचार का प्रबंध करे सरकार, जानमाल की सुरक्षा के साथ जनता के नुकसान की भरपाई का हो इंतजाम, दबिश और कार्रवाई के नाम पर निर्दोषों पर न हो अत्याचार। अखिलेश यादव के इस हमले का जवाब देने में सरकार ने भी देर नहीं लगाई और चंदन के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। 20 लाख रुपए अनाउंस कर चुके हैं। इस सियासी घमासान के बीच प्रशासन ने कासगंज में हालात सामान्य होने का दावा किया है। चेन्नई में डीएमके समेत विपक्षी पार्टियों के नेता सूबे की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। विपक्षी पार्टियों ने बस किराए में बढ़ोतरी के पनीर सेल्वम सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई और इसके लिए विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। डीएम के नेता और कार्यकर्ता हाथों में अपनी पार्टी का झंडा लेकर प्रदर्शन करते दिखे। इस प्रदर्शन की अगुवाई डीएम के नेता एमके स्टालिन ने की। उनके साथ कांग्रेस के नेताओं ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। डीएमके का आरोप है कि बसों का किराया बढ़ाने के सरकार के फैसले से सूबे की जनता पर 3600 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा जो उन्हें नामंजूर है। हालांकि सरकार की दलील है कि डीएमके के शासन काल में परिवहन विभाग पर लगातार कर्ज बढ़ा, जिसके लिए तब की सरकार ने परिवहन निगम की 112 संपत्तियों को गिरवी रखा। लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच सूबे की पनीर सेल्वम सरकार किराया बढ़ाने के फैसले पर लगातार घिरती जा रही है, क्योंकि सरकार ने बिना नोटिफिकेशन जारी किए बस के किराए में बढ़ोतरी की है। परिवहन विभाग के बढ़ते घाटे को देखते हुए सरकार ने 20 जनवरी को बस के किराए में 66% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया। जब इस फैसले का विरोध हुआ तो सरकार ने बढ़े हुए किराए में 20% की कटौती का फैसला लिया, लेकिन विपक्ष की मांग है कि पनीर सेल्वम सरकार बढ़े हुए किराए को पूरी तरह वापस ले और परिवहन विभाग का घाटा कम करने के दूसरे रास्ते निकाले। परिवहन विभाग के मुताबिक किराया बढ़ने के बाद बस यात्रियों की संख्या 25 लाख तक घट गई है, जिससे सरकार को रोज लगभग 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मुंबई एयरपोर्ट से कस्टम अधिकारियों ने एक तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोप है कि इस गिरोह का एक सदस्य प्रोटीन पाउडर में सोने का बुरादा मिलाकर तस्करी करने की कोशिश में था, लेकिन कस्टम अधिकारियों ने इस आदमी को पकड़ लिया और जांच के दौरान प्रोटीन पाउडर को जब पानी में छाना गया तो उसमें से सोने के छोटे छोटे टुकड़े मिले। जानकारी के मुताबिक आरोपी सोने से ये टुकड़े दुबई से लेकर मुंबई तक एयरपोर्ट करता था। मध्य प्रदेश के पन्ना में कुछ पुलिस वाले सड़क पर खड़ी डायल 100 की एक गाड़ी की पड़ताल करते नजर आए। आरोप है कि कुछ बदमाशों ने पुलिस वालों को बंधक बनाकर इस गाड़ी से एक लड़की का अपहरण किया और बाद में गाड़ी छोड़कर भाग निकले। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस की टीम गाड़ी की जांच कर बदमाशों का सुराग तलाशती दिखी। आरोप है कि बदमाशों ने पहले डायल 100 पर फोन कर पुलिस को अमानगंज इलाके में बुलाया और फिर गन पॉइंट पर उन्हें बंधक बनाकर उनकी गाड़ी लेकर पुलिस की वर्दी में बुमराह गांव पहुंचे। आरोप है कि बदमाशों ने थाने ले जाने के नाम पर 21 साल की लड़की का अपहरण कर लिया, फिर पुलिस की गाड़ी वहीं छोड़ दी जहां पुलिस वालों को बंधक बनाकर रखा था। पांच लोग मिलके ये दोनों हमारे स्टाफ को बंदी बना लिया और एफआरवी की गाड़ी लेके गया, लड़की की अपहरण किया और वापस एफआरवी की गाड़ी को और स्टाफ को छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को 5 बदमाशों ने अंजाम दिया, जिनकी तलाश की जा रही है। इकोनॉमिक सर्वे की उम्मीदों में बाजार में भी रौनक देखने को मिली। सरकार की ओर से पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी बढ़त दर के 7 से 7.5% रहने के अनुमान के बाद शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 233 अंक ऊपर 36,283 पर बंद हुआ। निफ्टी 61 अंक चढ़कर 11,130 पर पहुंच गया। फिल्म पद्मावत मामले में गिरफ्तार करनी सेना के नेता सूरजपाल अमू को गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की सुनंदा पुष्कर मौत मामले की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर 3 हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। बीजेपी से जुड़े राम सिंह परमार चुनाव के बाद अमूल का प्रबंधन संभालने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के चेयरमैन बन गए।
यूपी के आगरा में शराब के नशे में हंगामा कर रहे दो लोगों की भीड़ ने पिटाई कर दी। यूपी के इलाहाबाद में दो वाहनों की टक्कर में एक ड्राइवर की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। अवैध खनन की शिकायत के बाद उत्तराखंड के देहरादून में छापेमारी कर 35 डंपर जब्त किए। और सीधे आपको दिखाते हैं तस्वीरें बीटिंग रिट्रीट की। ये वो अवसर होता है गणतंत्र दिवस के समापन कार्यक्रम के तौर पर देखा जाता है और इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जुटते हैं। बीटिंग रिट्रीट की तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री निर्मला सीतारामन दिख रही हैं आपको और लोगों के बीच रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन नजर आ रही हैं आपको और इस बीच लोगों के बीच जैसे जैसे कैमरा लोगों पर जाता है लोगों के बीच जो जोश है वो और नजर आता है जब वो हाथ हिलाते हुए कैमरे के सामने कहते हैं। और इस तरह से गणतंत्र दिवस के समापन का ये अंतिम कार्यक्रम राजपथ से बीटिंग रिट्रीट और ये खूबसूरत नजारा इस वक्त आपको दिख रहा है। बीटिंग द रिट्रीट में इस बार भारतीय दोनों पर जोर नजर आएगा जिस तरह की जानकारी है। राजधानी के विजय चौक पर यह भव्य समारोह जिसमें तीनों सेनाओं और सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्सेस की ओर से 26 परफॉर्मेंसेस पेश की जाएगी और जाहिर तौर पर जब आर्म्स पुलिस फोर्सेस का यह प्रदर्शन होगा तो सेना के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं इस कार्यक्रम में और ये एक भव्य नजारा इस वक्त आप देख रहे हैं। की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला धीरे धीरे विजय चौक की ओर बढ़ता हुआ आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये दृश्य अब हम और आप तक पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं ये नॉर्थ ब्लॉक और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने आने वाले बजट को देश की उम्मीदों पर पूरा करने वाला बजट बताया। बजट का सर्वाधिक लाभ देश के सामान्य मानवी तक कैसे पहुंचे, दलित पीड़ित शोषित वंचित को कैसे मिले, गांव गरीब को कैसे मिले, किसान मजदूर को कैसे मिले, इस पर हम व्यापक चिंतन करें। लेकिन कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कम अवधि के बजट सत्र के लिए सरकार पर निशाना साधा। दिन पे दिन बहस के दिन कम होते जा रहे हैं और बिल बिना डिस्कशन बिना स्टैंडिंग कमेटी को भेजे बिना अगर दिक्कत है तो जॉइंट कमेटी या सेलेक्ट कमेटी को भेजे उसको पास कर ले रहे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के आरएसएस पर किए गए हमले से सियासत गर्म हो गई है। ओवैसी ने हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान करने पर सवाल उठाया और आरोप लगाते हुए पूछा कि आरएसएस के लोग किस आधार पर मंदिर निर्माण की बात कह रहे हैं। संघ परिवार तो अभी से कह चुकी है कि हम 17 अक्टूबर 2018 को मंदिर का काम शुरू कर देंगे। इनको कैसे मालूम सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आने वाला है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और ओबीसी पर मंदिर मुद्दे पर सियासत करने का आरोप लगाया। ओबीसी टाइप के लोग जो है ये अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस प्रकार की दुर्भावना से ग्रसित होकर के और तरह की बातों को रखते हैं। हालांकि ओवैसी ने इस बात पर जोर दिया कि अयोध्या विवाद आस्था का विषय नहीं है बल्कि संपत्ति से जुड़ा मामला है जिस पर अदालत को फैसला करना है। वहीं राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर कई विपक्षी पार्टियों ने भी आरएसएस और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया और मामला अदालत में होने के बावजूद बयानबाजी को गलत बताया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस या जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं न्यायालय को उसका संज्ञान लेना चाहिए। इस मुद्दे पर एनडीए में शामिल जेडीयू ने भी बीजेपी से अलग रुख दिखाया। अदालत में पेंडिंग मामले को लेकर के किसी को अपनी राय रखने का अधिकार नहीं है। जेडीयू ने अयोध्या विवाद पर कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की नसीहत दी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सड़क पर रिफाइंड ऑयल से भरा एक टैंकर पलट गया जिसके बाद सड़क पर तेल फैल गया। जैसे ही आसपास के गांव वालों को इसकी खबर लगी तो वहां लोग जमा हो गए और अपने बर्तनों और डिब्बों में रिफाइंड तेल भरने लगे।
काफी देर तक सड़क के किनारे तेल लूटने का खेल चलता रहा। पुलिस को मामले की खबर मिली तो मौके पर पहुंचकर उन्होंने भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की। इस दौरान सड़क से तेल हटाने के लिए पुलिस को पानी का इस्तेमाल करना पड़ा। रिफाइंड ऑयल से भरा ये टैंकर गुजरात के गांधीधाम से मध्य प्रदेश के जबलपुर जा रहा था। दिल्ली में सीलिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मध्य प्रदेश के पन्ना में कुछ बदमाशों ने पुलिस को ही बंधक बनाया और फिर पुलिस की वर्दी में एक लड़की का किडनैप कर लिया। और अफगानिस्तान में बीते 10 दिन में चौथा आतंकी हमला हुआ जिसमें 5 पुलिस वालों की मौत हो गई। दिल्ली के पटेल चौक पर लगाए गए एक पोस्टर के जरिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। ये पोस्टर 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली विधानसभा में मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने के विरोध में लगाया गया, जिसमें बीजेपी ने टीपू सुल्तान को खूनी और लाखों हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करने वाला बताया। दिल्ली सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने लिखा कि टीपू सुल्तान की तस्वीर विधानसभा में लगाने पर अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। पोस्टर है ये, दिल्ली बीजेपी ने लगवाया है और खास तौर से दिल्ली बीजेपी के जो प्रवक्ता है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, उन्होंने इस पोस्टर को यहाँ पर लगाया है। दिल्ली के पटेल चौक के अलावा ऐसे पोस्टर आईटीओ और कनॉट प्लेस इलाके में भी नजर आए। पोस्टर लगाने पर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह ने इस पोस्टर को कर्नाटक चुनाव से जोड़ते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। जब ये पोस्टर लगाया गया अगले दिन मनीष सिसोदिया ट्वीट करके कहते हैं हम कर्नाटक में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में आम आदमी पार्टी को कर्नाटक की सियासत में सच्चा विकल्प बताया था। 26 जनवरी के शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में 70 क्रांतिकारियों की तस्वीर वाली गैलरी का उद्घाटन किया था जिसमें टीपू सुल्तान की तस्वीर भी शामिल है। दिल्ली के संसद मार्ग पर कुछ पुलिस वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाते नजर आए। यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीलिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्र से अध्यादेश लाकर दिल्ली में चल रही सीलिंग रोकने की मांग की, जिसके लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए संसद मार्ग पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस आशुतोष समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को संसद मार्ग थाने ले गई। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने पुलिस पर कार्यकर्ताओं की पिटाई और मोबाइल छीनने का भी आरोप लगाया। These are all elected representatives of Delhi. There are MLAs of Delhi. The police should be answerable for them. इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर सीलिंग समेत कई मुद्दों पर विरोध जताया। व्यापारियों की सीलिंग करके उनका व्यापार नष्ट किया जा रहा है। पार्लियामेंट चल रही है, बिल लाकर आप कन्वर्जन चार्जेस को खत्म कीजिए और सीलिंग को यहाँ पर बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने सीलिंग के नाम पर दिल्ली के व्यापारियों को धोखा दिया है, क्योंकि पिछले 15 साल से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है और इसीलिए आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। 20 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव की संभावना बढ़ गई है, इसलिए पार्टी सीलिंग के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुटी है। जबकि बीजेपी ने संसद सत्र के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के धरने पर ही सवाल उठाए। बाहर बैठ करके पहले ही दिन कहते ना कि मेरे अंदर जो निगेटिविटी है हम पहले ही दिन से उसको दिखाना शुरू करें। इससे पहले शनिवार को दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने संयुक्त सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित किया कि दिल्ली में सीलिंग रोकने के लिए कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार से संपर्क किया जाना चाहिए। इसी बीच LG अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज को चिट्ठी लिखकर कानून के दायरे में सभी संभावित समाधान तलाशने की कोशिश करने की बात कही। राजपथ से गणतंत्र के गौरवशाली नजारे आपको हम दिखाते हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं बीटिंग द रिट्रीट में, जहां पर 25 धुनों में से एक धुन इस वक्त सुनाई दे रही है। ये वो अवसर जब गणतंत्र दिवस का समापन समारोह होता है, लेकिन उससे पहले ये भव्य नजारा और ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
तो बीटिंग रिट्रीट का ये कार्यक्रम जारी है और अभी हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर।